बेलारूस के राष्ट्रपति बोले, प्रिगोजिन को मरवाना चाहते थे पुतिन। मैंने कहा जल्दबाजी में फैसला ना ले। फिर समझौता हुआ, वैगनर चीफ बेलारूस पहुंचे। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के विद्रोह और समझौते के बाद बुधवार देर रात शाम को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जब वैगनर का विद्रोह चरम पर था, तब पुतिन ने उनसे प्रिगोजिन को मरवाने की भी बात कही थी। हालांकि लुकाशेंको ने उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेने को कहा था। फिर समझौता हुआ। फोन कॉल के दौरान लुकाशेंको ने टकराव की जगह शांति की कोशिश करने की अपील की थी। वहीं वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन 27 जून को बेलारूस पहुंच गए। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसकी पुष्टि की। रूस ने भी प्रिगोजिन के खिलाफ सभी केस खत्म कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डील के तहत वैगनर ग्रुप के बड़े हथियार और हार्डवेयर वापस लेने की तैयारी चल रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भले ही रूस ने प्रिगोजिन से माफी का वादा किया हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इस बात पर भरोसा करना कठिन है। पुतिन को अपनी आलोचना करने वाले या फिर रूस के खिलाफ बगावत करने वाले बर्दाश्त नहीं है।